ये जिला परिषद का एक एस्टिमेट है, सभा मंडप का जीआई शेड है, ये इसका नेम ऑफ वर्क है और ये उसकी अमाउंट है। तो मुझे एस्टिमेट का पीडीएफ कन्वर्ट करना है और शेड्यूल बी का भी पीडीएफ कन्वर्ट करना है, और उसके साथ साथ ऑटोकैड का एक ड्राइंग है जो कि इस एस्टिमेट के लिए एस्टिमेट पर्पस बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं शेड्यूल बी इस शीट पर एक क्लिक करता हूँ, उसके बाद फाइल टैब पर एक सिंगल क्लिक, उसके बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट करना है। आप कोई भी प्रिंटर ले सकते हैं, मेरे पास जो प्रिंटर है मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर A4 होना जरूरी है, और ये जो पेजेस है ये मैं पूरे टोटल पेजेस शीट में, जित 7 पेज है तो 7ों को मैं पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं ब्लैंक रखूंगा, खाली रखूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ सेव एज पर एक सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद ब्राउज के बाद यहाँ पर जो सेव एज टाइप है यहाँ पे पीडीएफ करना है, और उसके बाद मुझे इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है, इसलिए मैं यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं B1 इसका नाम दे देता हूँ, उसके बाद सेव। शेड्यूल बी के जो 7 पेज थे ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं दोबारा एक्सेल फाइल पर आ चुका हूँ इधर। अब मुझे जो एस्टीमेट है उसमें बहुत सारी शीट है, जैसे फ्रंट शीट, फंड हेड शीट, तांत्रिक टिप्पणी, रॉयल्टी शीट, जनरल डिस्क्रिप्शन, रिक्यूपुलेशन शीट, अब्स्ट्रैक्ट शीट, मेजरमेंट शीट, रेट एनालिसिस, मटेरियल कंजम्पशन, क्वारी चार्ट, ये तमाम शीट को मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है एक साथ। और शेड्यूल बी को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे हाइड कर देता हूँ। और ये चाहे पहली शीट हो या कोई भी शीट हो, पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी शीट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल इधर रिकैप शीट पर क्लिक करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। उसके बाद फाइल, प्रिंट, फिर उसके बाद प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है। इससे पहले मैंने ये प्रिंटर को सिलेक्ट किया था, इसलिए डिफॉल्ट ये प्रिंटर आ जाता है यहाँ पर। इधर कोई भी सेटिंग नहीं करना है, डिफॉल्ट रहने देना है। उसके बाद सेव एज पर एक सिंगल क्लिक करना है, ब्राउज। मैं फाइल का नाम नहीं चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए उसे मैं वही रहने दूंगा। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। सेव एस टाइप पे मुझे पीडीएफ चाहिए, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ पीडीएफ सिलेक्ट करूंगा। मुझे इंटायर वर्कबुक को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद इंटायर वर्कबुक ये रेडियो बटन पे क्लिक, उसके बाद ओके, सेव। इस एस्टिमेट में 24 पेज है, ये ऑटोकैड की फाइल है, ये इस एस्टिमेट के लिए बनाया हुआ ड्राइंग है जिसपे ये लिखा हुआ है एस्टिमेट पर्पस ओनली नॉट फॉर एग्जीक्यूशन। अब मुझे इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करूंगा। यहाँ पर जो पेज सेटअप पे यहाँ नेम लिखा हुआ है,
इस पूरे बॉक्स पर, यानी एक बटन कहलाता है, इस पर कहीं भी क्लिक कीजिए और प्रीवियस प्लॉट, यहाँ पे पीडीएफ आ गया है, ड्राइंग टू पीडीएफ। यहाँ पर आप बहुत सारे और भी ऑप्शन है पीडीएफ के, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं ड्राइंग टू पीडीएफ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पेपर है, मैंने A4 सिलेक्शन किया है, यहाँ क्लिक करके पेपर सिलेक्ट किया जाता है। उसी तरीके से दोनों चेक बॉक्स को चेक कर लेना है और यहाँ पे ओरिएंटेशन आप अपने ड्राइंग के मुताबिक ले सकते हैं। तो मेरे केस में लैंडस्केप है, तो मैंने लैंडस्केप रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये विंडो बटन पे क्लिक, इस कॉर्नर पे एक सिंगल क्लिक करना है और माउस का जो बटन है उसको प्रेस किए बगैर ऐसे ड्रैग करना है। उसके बाद इस कॉर्नर पे क्लिक, उसके बाद प्रीव्यू। ये दूसरे नंबर का जो बटन है जूम ओरिजिनल, इस पर क्लिक करके ड्राइंग को जूम किया जा सकता है। मैं यहाँ इस प्रिंट बटन पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है इसलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। मेरे पास ये तीनों फाइल रेडी है पीडीएफ की, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। जैसे ये हम सबसे पहले ड्राइंग देख लेते हैं। ये ड्राइंग इस बटन पर मैं क्लिक करता हूं इसे जूम करने के लिए। ये ड्राइंग है मेरी। उसके बाद ये शेड्यूल भी, आपको मैं शेड्यूल भी एक बार और दिखाता हूं। पहले मैं इसे यहां जूम कर लेता हूं इस बटन पे क्लिक करके। ये एस्टिमेट है, इसे जूम करने के लिए मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और आपको एक बार और दिखाता हूँ।
अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मुझे ये जो तीनों फाइल है ये कॉन्ट्रेक्टर को व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है, इसलिए सबसे पहले मैं नेट कनेक्शन कर लेता हूँ। नेट कनेक्शन के बाद मुझे व्हाट्सएप चालू करना है, तो मैं सर्च बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ WH, ये व्हाट्सएप का ऐप है, मैं इस पे सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे जिस कॉन्टेक्टर को ये सेंड करना है उस नंबर पे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये अटैचमेंट का जो बटन है उस पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंट, अभी मैंने तीनों फाइल डेस्कटॉप पे रखी है, तो इसे सिलेक्शन करने का ये तरीका है कि आप इस पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कीजिए, या पहले कोई भी एक सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे आप तो भी ये सिलेक्शन हो जाता है। शिफ्ट प्रेस करके एक एक सिलेक्शन किया जा सकता है, या आप कंट्रोल की का इस्तेमाल करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या इस पर सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन बटन पे सिंगल क्लिक करना है और इस बटन पे एक सिंगल क्लिक करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों फाइल कॉन्ट्रैक्टर को सेंड हो चुकी है। हम इसे ओपन करके भी देख सकते हैं और सेव एज करना है तो दोबारा सेव एज भी कर सकते हैं।